हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो हेयर कट करने वाले हैं वो इस तरीके से करेंगे कि हमारे बालों की लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो मैंने जो इसमें तरीका बताया है फुल लेयरिंग कट करने का, तो वो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि हमारी लेंथ भी कम नहीं होगी और हमारी जो लेयरिंग है वो भी हमारे पूरे बालों में अच्छे से आ जाएंगी। फुल लेयरिंग कट मैंने इस हेयर कट का नाम रखा है ताकि हमारे बालों में जो हमने लेयरिंग करी है वो एकदम अच्छे से जितना भी चाहे हम ऊपर तक हम लोग लेयरिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाटर स्प्रे से अपने बालों को अच्छे से गीला कर लिया है। उसके बाद मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन किया और अपने आगे के बालों को सेपरेट कर लिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले लगभग 1 इंच के लगभग मैंने बालों को स्ट्रेट किया है ताकि हमारा जो नीचे का डैमेज बाल है हल्का सा बस वो निकल जाए। अगर यहाँ पे आप लोग स्ट्रेट कट नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग डायरेक्ट भी लेयरिंग कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो मैंने यहाँ पे इनका लगभग 1 इंच इसलिए निकाला है क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है नीचे से और बहुत ड्राई और रफ से हैं, इसलिए मैंने हल्का सा ट्रिमिंग की है इसके बालों की। तो हल्के हल्के इस तरीके से हम लोग एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि जो मैंने लगभग 1 इंच बालों को निकाला है वो उसमें कोई छोटा बड़ा तो नहीं रह गया, ताकि यही हमारा गाइडलाइन का काम करेगी। अगर आप लोगों की हेयर कट कर रहे हैं और स्ट्रेट कट पहले से हुआ हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी लेंथ पर भी हम लोग हेयर कट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ध्यान ये दिया है कि हम लोग फुल लेयरिंग अगर हम लोग हेयर कट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे लेंथ हमारी कितनी भी हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पीछे से सेंटर से सेक्शन लिया है बालों का पतला सा, ताकि ये हमारा दोनों साइड गाइडलाइन का काम भी यही करेगा। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी होती है कि हमें खड़ा किस साइड होना है। जिस साइड से हम लोग खड़े होंगे ध्यान रखेंगे कि हमारी जो लेंथ है पीछे की वो हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए। कैंची को इस तरीके से चलाएंगे, ये देखिएगा इस तरीके से, मैं दोबारा बताऊंगी अभी। ये हमारी लेयरिंग आ गई है, इस तरीके से कट करेंगे। अगर हमें और भी ज़्यादा लेयरिंग चाहिए तो हम इन बालों को फिर से ऊपर उठाएंगे दोबारा, और क्लाइंट के राइट साइड में खड़े होकर हेयर कट करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जब हम अपनी फिंगर को डायगनल करेंगे, जितना हमें लेयरिंग चाहिए बालों में उतना फिंगर को डायगनल कर लेंगे, तिरछा कर लेंगे और लेंथ नहीं काटेंगे। सिर्फ हमारा जो टॉप एरिया का बाल है सिर्फ वही कटेगा, लेंथ का बाल बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। वरना अगर हमने अपनी फिंगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में हमने डायगनल कर ली तो यही चीज़ हम लोग लेंथ कट जाएगी हमारी और हमारे बाल शॉर्ट हो जाएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कैसी जो चलाने से पहले कि हम लोग जो डायगनल कर रहे हैं वो हमारी टॉप एरिया की तरफ होनी चाहिए, नहीं ना कि बैक की तरफ। इस तरीके से हम लोग जितना भी हमें लेयरिंग डालनी है वो हम लोग फिंगर को तिरछा करते जाएंगे और कट करते जाएंगे। बीच वाले सेक्शन में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितनी लेयरिंग डालनी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम दोनों साइड हम लोग गाइडलाइन लेते हुए उन्हीं बालों में से हम लोग थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे और जितना भी हमारा उससे एक्स्ट्रा बाल होगा बस वही कट करेंगे। क्योंकि बीच में हमने जो सेक्शन बनाया था, हेयर कट किया था स्टार्टिंग में, वही हमारा गाइडलाइन का काम करेगा फिर। और ये पूरा कट हम लोग एक ही साइड में खड़े होकर करेंगे क्योंकि हमारा उधर से ही हाथ सेट होगा। अगर हम दूसरी साइड होकर कट करेंगे तो हमारी जो है फिंगर दूसरी बैक की तरफ डायगनल हो जाएगी और हमारे बाल जो है शॉर्ट हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है इस कट को करते हुए कि हमें जो है क्लाइंट के राइट साइड में खड़े होकर ये हेयर कट करना है, और अपनी फिंगर को जब हम डायगनल करेंगे तो वो हमारी टॉप एरिया की तरफ होनी चाहिए, यानी कि क्लाइंट के फेस की तरफ। इस तरीके से हम कोम की हेल्प लेंगे और कोम को धीरे धीरे तिरछा करते हुए अपनी फिंगर को भी इस तरीके से डायगनल करेंगे, और एक्स्ट्रा जो बाल है हमारी जब तक हमें अपनी गाइडलाइन ना दिखाई दे तब तक कट नहीं करना और लेंथ बिल्कुल नहीं काटनी है, क्योंकि जो हमारे एक्स्ट्रा बाल है बस वही कट करेंगे, लेंथ में से नहीं काटेंगे बिल्कुल भी। और इस तरीके से हमारी प्रॉपर फुल लेयर कट आती जाएगी।
जो सेक्शन हम काटते जाएंगे उसमें से थोड़े से बाल हम लोग नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन में लेते जाएंगे, ताकि वो हमारी गाइडलाइन का भी वर्क करते रहे। और कोम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर जो हमारी रूट्स हैं बालों की, बिल्कुल वहाँ से कोम करेंगे, ताकि हमारी लेयरिंग बहुत, जितना ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग से हम लोग कोम करेंगे, लेयरिंग भी हमारी उतनी ही अच्छी क्लियर आएंगी। क्योंकि ये जो हेयर कट है वो फिनिशिंग के, और जितना नीट और क्लीन सेक्शन हमारा होगा और जितनी फिनिशिंग से हम लोग कॉम करेंगे, उतना ही अच्छा हेयर कट का लुक आएगा। अब मैंने, मेरा हाफ सेक्शन हमारा हो गया है इधर से, राइट साइड से। अब मैं जो लेफ्ट वाले हमारे जो हाफ बाल बचे हुए हैं, उनको भी मैं उसी साइड खड़े होकर कट करूँगी, और थोड़े से बाल जो है गाइडलाइन के लिए मैं उसी में मिक्स करती जाऊँगी, ताकि हमारा जो लेयरिंग है वो प्रॉपर अच्छा सा लुक दे। क्योंकि अगर हम लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से हम लोग हर बार सेक्शन में नए नए तरीके से हम लोग काटते जाएंगे, तो किसी में बाल हमारा छोटा हो जाएगा और किसी में हमारा बड़ा हो जाएगा, और लेयरिंग भी प्रॉपर नहीं आएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें गाइडलाइन ही फॉलो करनी है, जो कि हमने सेंटर में बनाई थी वही हमारी उधर की तरफ जाएगी, और वही हमारी उधर दूसरी साइड में हम उसी को फॉलो करेंगे। और इस तरीके से हम लोग लेंथ नहीं काटेंगे, बस जो हमारे टॉप एरिया का बाल है वही कटेगा। ये देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग इन बालों में आ रही है, और सूखने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा इन बालों का। इस तरीके से मैंने फिर से थोड़े से बाल अपने नेक्स्ट सेक्शन में मिला लिए हैं, और पीछे ही खड़े होकर हम लोग हेयर कट करेंगे। इस तरीके से प्रॉपर कॉम करेंगे अच्छे से रूट से, क्योंकि हमें ये हेयर कट बिल्कुल ऊपर सीधा ले जाकर करना है, और सीधा ले जाकर भी हम लोग कॉम की हेल्प से अपनी फिंगर को डायगोनल करेंगे। इस तरीके से पहले कॉम डायगोनल करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिंगर डायगोनल मतलब तिरछी करेंगे। डायगोनल मतलब उंगली को तिरछा करता जाएंगे, और हेयर कट उसके बाद ही जब हम लोग सेट कर लेंगे कि हाँ हमें इतना कट करना है, तभी हम लोग कट करेंगे। ये देखिएगा कितने प्यारे स्टेप्स इनके बालों में आए हैं, और बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं जो हमारे जो मैंने बालों को आगे से सेपरेट किया था, उनको भी हम लोग खोल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें जो फ्रंट लेयरिंग जो हमें करनी है, तो मैं सेंटर से फिर से एक उसी तरीके से मैं करूँगी जैसे कि मैंने पीछे किया था। सेंटर से एक सेक्शन लिया और अपनी जो है गाइडलाइन मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगी। सेम वही तरीका है, इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने जो टॉप एरिया के बाल हैं जो हमने कट कर चुके हैं, उसमें से मैं थोड़े से बाल इसमें मिक्स कर लूँगी, ताकि हम लोग एक हमें गाइडलाइन मिल जाए और हम उसी के अकॉर्डिंग हेयर कट करें। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी फिंगर उसी तरीके से रखनी है जैसे कि हमने पूरे हेयर कट में रखी है, उसी साइड खड़े होंगे। और ये देखिएगा पीछे के बाल मेरे गाइडलाइन जो हमने ली थी वो दिख रही है ऊपर से, और उससे जो एक्स्ट्रा बाल है बस वही काटेंगे। सेंटर में से मैंने सेक्शन बनाया है जहाँ पर हम लोग सेंटर पार्टिंग करते हैं, मांग निकालते हैं, उसी के हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से, लगभग एक इंच का हम लोग पार्टीशन करेंगे, और पीछे से थोड़े से बाल मिक्स करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम डायगोनल फिंगर को डायगोनल करेंगे और तिरछा कट कर लेंगे, तो वो लेयरिंग है वो हमारी पीछे के बालों में ही मिक्स हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि बीच की मांग निकाल लेंगे, सेंटर से पार्टिंग दोबारा कर लेंगे, और हाफ बाल हमारे इधर आ गए गाइडलाइन के लिए, और हाफ बाल हमारे दूसरी साइड चले गए। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग इन बालों को भी बिल्कुल सीधा उठा लेंगे 90 डिग्री पर, ये देखिएगा मेरी गाइडलाइन मुझे दिख रही है, और उससे जो एक्स्ट्रा मेरे बाल हैं बस मैं वही काट रही हूँ। ध्यान रखना है कि हमें जो मैंने अपनी उंगली को जो तिरछा किया हुआ है, हमारी लेंथ नहीं कटनी चाहिए। अगर हमारी लेंथ हमारी कट गई तो हमारे बाल जो हैं शॉर्ट हो जाएंगे, और जो एक प्रॉपर लेयरिंग का जो लुक आने वाला है वो नहीं आएगा। इस तरीके से कॉम को एकदम सीधा खड़ा करके तिरछा करेंगे, और उसी की हेल्प के अकॉर्डिंग हम लोग हल्का सा कट कर देंगे बालों में। अभी मैंने अब हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया है, तो हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करेंगे।
अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमने सेंटर में जो हमने गाइडलाइन बनाई थी बस उसी को फॉलो करना है, बिल्कुल बालों को सीधा ले जाते हुए। और जो भी बाल हमारा उस गाइडलाइन से एक्स्ट्रा दिखता है, निकलता है, बस हमें वही काटना है। बस अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते जाएंगे जो हमने सेंटर में बनाई थी, और कोम को अपने डायगोनल रखेंगे, फिंगर को डायगोनल रखेंगे। डायगोनल करने से हमारी जो है लेयरिंग वो प्रॉपर और बहुत ही अच्छी आएंगी। और ये है इस तरीके से हमारा फुल लेयर कट। फुल लेयर कट किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो पीछे से जो लेयर कट किया है वो हमारा उसी में मिक्स हो जाए, वो हमने कर लिया है। बाकी जो हम फ्रंट पे लेयरिंग डाल रहे हैं वो भी हमारी लेयरिंग उसी में मिक्स हो जाएंगी। तो हमारा पूरे हेड का फुल लेयर कट इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ये देखिएगा, फ्रंट से भी हमने फुल लेयर कट किया है और पीछे से भी, यानी कि टोटल हमारा पूरे हेड का लेयरिंग हो गया है। ये देखिए इस तरीके से पूरे बालों में प्रॉपर लेयरिंग आ गई है, और लेंथ हमारी वहीं की वहीं है जितनी हमारी लेंथ थी, बिल्कुल वही है। और लेयरिंग हमारी लगभग टॉप एरिया तक हमारी पहुंच गई है। और बाल भी हमारे शॉर्ट नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम लोग पार्टीशन करेंगे बालों का, और जो हमारे फ्रंट वाले बाल हैं उन्हें एक बार चेक कर लेंगे। जो हमने फ्रंट के एरिया पर हमने लेयरिंग डाली है उनमें अगर कोई छोटा बड़ा है तो अच्छे से भी चेकिंग एक बार कर लेंगे। और एक लेयरिंग का दोबारा से फ्रंट लेयरिंग हम जिस तरीके से हम लोग करते हैं उस तरीके से हम जो बाल एक्स्ट्रा है हमारे वो कट कर देंगे। जो हमारी लेंथ है वो नहीं काटेंगे, बस एक जैसे हम लोग वी बनाते हैं इस तरीके से कॉम करेंगे और फ्रंट पे लाके हम लोग तिरछा कट कर देंगे, ताकि फ्रंट से जब हम देखें फेस पे जो हमारा लुक आएगा वो एक अच्छा सा लेयरिंग लुक आएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे, ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे और बालों को फ्रंट वाले बालों को बिल्कुल सामने ला करके एक बार अच्छे से कॉम करेंगे, एकदम सीधा करके रूट से। और दूसरी साइड से हम लोग गाइडलाइन ले लेंगे कि जितना हमने लेयरिंग हमने कट किया है दूसरी साइड से भी हमारा प्रॉपर एकदम बराबर इक्वल आए। तो थोड़ा सा बाल हम लोग इधर से दूसरी साइड से हम लोग दूसरे दूसरी साइड में हम लोग ले लेंगे और इस तरीके से हम कट कर देंगे तिरछा करके। जितने भी बाल हमारे एक्स्ट्रा होंगे वो कट हो जाएंगे, लेकिन हमारी लेंथ जो है हमारी नहीं कटेगी। ये जो हमारी लास्ट वाली लेंथ है, जैसे हम लोग वी बनाते हैं या ए जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से हम लोग कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पीछे वाले बालों में वी शेप डालेंगे। आगे से हमने जो लेयर किया है वो लेयरिंग करने के बाद हम लोग पीछे से बालों को दो भागों में, दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे और दोनों शोल्डर पर लाकर कट करेंगे इस तरीके से। हल्का सा लगभग मैंने क्या 1.5 इंच कट किया है यहाँ पर, क्योंकि बाल जब हम लेयरिंग डालते हैं तो नीचे से बहुत हल्के हो जाते हैं लेयरिंग की वजह से, तो वो कट अगर नहीं करते तो अच्छा सा लुक नहीं आता। तो कटिंग करने के बाद, इसीलिए मैंने बोला था कि हम लोग अगर शुरू में स्ट्रेट कट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों को बाद में एक बार फिनिशिंग देनी होती है इस कट में। तो इस तरीके से हाफ हाफ बालों को हम दोनों शोल्डर पर ले जाकर करेंगे। हाफ बाल जो लेंगे वो राइट साइड के राइट साइड रखेंगे इस तरीके से दोनों तरफ से, और हल्का सा जो हमें हल्का सा बाल दिखता है नीचे से उसको कट कर देंगे एकदम स्ट्रेट कंधे पर ले जाकर। और जब हम लोग उन बालों को पीछे लेकर के आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वी शेप हमारा हो जाएगा।